जगत जननी माता सीता की धरती सीतामढ़ी जिला एक आकांक्षी जिला है। आज प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं से जिले के किसानों के लाभ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। किसान विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी लागत को कम कर रहे हैं। भतनाहा प्रखंड के हरिहर गांव के किसान अजय कुमार ने बताया कि वे 60 एकड़ की भूमि पर खेती करते हैं। पहले खेती करने में लागत ज्यादा आती थी और मुनाफा कम होता था, लेकिन भारत सरकार की फसल बीमा योजना ने किसानों की चिंता को दूर कर दिया है। कृषि यांत्रिकरण, जीरो टिलेज ट्रैक्टर, लैंड लेवलर, बिजली चलित पंप का बढ़ता प्रयोग और कृषि यंत्रों पर अनुदान, बीज पर अनुदान, डीजल अनुदानों ने किसानों की लागत को कम किया है। सिया राम सिंह बताते हैं कि श्री विधि धान की तकनीक से किसानों की पैदावार बढ़ी है, जिससे मुनाफे में वृद्धि हुई है। किसान को तो हर तरह से सुविधा है, जो लेना चाह रहे हैं उसके लिए सुविधा है, जो नहीं लेना चाह रहे हैं उसके लिए नहीं सुविधा है। वहीं राजेश कुमार बताते हैं कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को दी जाने वाली जानकारी के कारण सही बीज और सही फसल का वे चुनाव कर पाते हैं। कृषि विभाग सीतामढ़ी के कृषि सलाहकार द्वारा समय समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज जैसे धान की प्रजातियां और श्री विधि से धान के फसल रोपने के उपाय, जीरो टिलेज का प्रयोग से संबंधित जानकारी और दवा के छिड़काव के बारे में जानकारी दी जाती है, जो बहुत ही लाभदायक है और लागत कम करने वाली है। फसल क्षति बीमा पहले तो लोग इंश्योरेंस करा लेते थे तो इंश्योरेंस चार्ज भी लगता था। अब है कि विदाउट इंश्योरेंस, मैंने बिना पैसे के अगर आप अपने का रजिस्टर करा लेते हैं तो आपको सरकार प्रति हेक्टेयर की दर से एक लिमिट है, उतना अनुदान आपको मिल जाता है अगर फसल खराब होता है किसी कारण आपदा से, प्राकृतिक आपदा से। तो ये भी किसान को एक फायदा है कि कहीं जाना नहीं पड़ता, सीधे आपके अकाउंट में पैसा चला जाता है। कृषि विभाग के जिला कृषि पदाधिकारी राम किशोर राय बताते हैं कि सरकार किसानों की लागत कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जैसे सरकार के द्वारा डीजल जल अनुदान, कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान, फसल बीमा क्षति की भरपाई अथवा बीज के उपचार, जैविक खेती की जानकारी, समय समय पर कृषि से संबंधित जानकारी किसानों को दे देना हो, सरकार इसके प्रति समर्पित है। सरकार कुछ बीजों पर 100% अनुदान दे रही है, जिससे किसानों की लागत कम हुई है और मुनाफा बढ़ा है। भारत सरकार ने जिले के किसानों को कृषि यंत्रीकरण में पिछले साल में 5 करोड़ अनुदान दिया और डीजल अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश के किसान अब वन ड्रॉप मोर क्रॉप प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का भी पूरा लाभ उठा रहे हैं। सीतामढ़ी से किशोर भानुशाली की ग्राउंड रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार पटना के लिए।